सेलिंग चल रही है, आज हर क्षेत्र में, हर प्रोडक्ट, हर कंपनी, हर चीज डाउन में है, लेकिन एक ही चीज चल रही है, डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन अभी इस समय व्हाट्सएप में डायरेक्ट सेलिंग के मैसेजों का बहार आ चुका है। मैसेजों का बहार आने का मतलब क्या हुआ कि आज हम लोगों के पास ऑटो फिलिंग प्लान, जनरेशन प्लान, कहीं ये प्लान, कहीं क्राउड फंडिंग प्लान, कहीं बाइनरी प्लान, कहीं सारे प्लान दिख रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि इन सब चीज के बीच में ये नेट सर्फ ही क्यों किया जाए, वाई नेट सर्फ। और इस वाई नेट सर्फ में हम लोग बहुत सारी चीजें बात करेंगे कि आखिर वाई नेट सर्फ ही क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में किया जाए, ऐसा क्या है नेट सर्फ में। हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि नेट सर्फ का लीगल बेस स्ट्रांग है कि नहीं है। हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है कि नहीं है। कंपनी लीगल बेस और फाइनेंशियली स्ट्रांग के साथ साथ क्या कंपनी का खुद का प्रोडक्ट है, क्या कंपनी मार्केट में कोई टाई अप प्रोडक्ट लेके तो नहीं जा रही है, कंपनी में रिटेल प्रॉफिट कितना है, और कंपनी में बिजनेस वैल्यूम और पॉइंट वैल्यू है कि नहीं है। और साथ में हम बात करेंगे कि जनरेशन प्लान है कि नहीं है, कि ये जनरेशन प्लान की तरह काम करता है कि बाइनरी प्लान की तरह काम करता है, इसके अंदर बिजनेस जो लगाया जाता है वो कहीं लेफ्ट तो नहीं होता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है, क्या लीडर्स को हर महीने रिपर्चेज करने के लिए, अपने चेक बनाने के लिए रिपर्चेज करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अगर इन सब चीजों के साथ ये सारी चीज क्या ट्रांसपेरेंट है, क्या सब चीज हमारे साथ ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि नेट सर्फ 24% नेटवर्क इनकम देता है। आज इस वीडियो में हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि वाकई में नेट सर्फ 24% नेटवर्क इनकम देता है कि नहीं देता है। और साथ में डिस्ट्रीब्यूटर के लिए नेट सर्फ में ऐसा क्या है जो डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोटेक्शन दिया जाए। मेरे साथ ये वीडियो में बने रहिए और इस समय इस चैनल में उन सभी लोगों को शेयर करिए जो कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग से कनेक्टेड हैं। आप उन लोगों तक पहुंचिए जिन लोगों तक आपने अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग की एबीसीडी भी नहीं जानते हैं और वो बने हैं लीडर बनने। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि भैया मैं तो 10 साल से लीडिंग कर रहा हूं, मैं 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, लेकिन होता क्या है, होता यह है कि वह 10 या 20 साल में उन्होंने केवल गंवाया है। हम बात करेंगे कि आखिर नेट सर्फ में एजुकेशन ट्रेनिंग सिस्टम क्या है, ये सारी चीजों की बात हम नेट सर्फ में बहुत बारीकी से करने वाले हैं। हम बात करेंगे इन सारे 13 पॉइंट पे कि आखिर नेट सर्फ कैसे, वाई नेट सर्फ किया जाए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेट सर्फ कब स्टार्ट हुआ। नेट सर्फ कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड करके 8 फरवरी सन 2000 को स्टार्ट हुआ और नेट सर्फ के जो संजय मालपानी जी और सुजीत जैन जी मालिक हैं, संजय मालपानी आदित्य बिरला के सगे भांजे और सुजीत जैन जी एसके जैन के सुपुत्र हैं, जो राम जेठमलानी के बाद दूसरे नंबर के सबसे बड़े वकील हैं। ये बिजनेस टाइकून हैं, इनके लिए छोटा मतलब नेट सर्फ जैसी बहुत सारी कंपनियों को कर रहे हैं, ये एक टाइकून है, मतलब ये नेटवर्कर नहीं है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये बिजनेसमैन है। और जब कोई बिजनेसमैन कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो बहुत आगे तक जाता है मेरे दोस्त। और कंपनी को इसी साल 20 साल हो रहे हैं, कंपनी 20 साल से वन टीम वन गोल और वन विजन लेके चली है। हम इसके बारे में और आगे तफ्तीश से जानकारी लेंगे कि क्या कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। दोस्तों कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जब हमने पता किया तो 150 करोड़ का कंपनी का ऑफिस है, 150 करोड़ का कंपनी का ऑफिस है और टोटल वेल फर्निश्ड और हर्बल ऑफिस है। दोस्त हर्बल ऑफिस का मतलब क्या हुआ कि वर्टिकल गार्डन लगे हैं। अगर किसी को भी शंका होती है तो एक काम करे, वो अपने घर से बकायदे अच्छी तैयारी के साथ नेट सर्फ में पुणे बानेर में जाए और अगर उसको नेट सर्फ का ऑफिस ना मिले तो मैं देता हूं उसको आने जाने का खर्चा और रुकने खाने का। मेरा नंबर भी है, आप मुझे फोन कर सकते हैं कि अगर ये कंपनी का ऑफिस नहीं मिलता तो, लेकिन अगर मिल जाता है तो खर्चा उसका रहेगा, क्योंकि शंका तो उसने की थी। बहुत जबरदस्त ऑफिस है। अगर मैं बात करता हूं आगे किसी अन्य चीजों में तो सबसे पहले कंपनी ने 4 नई कंपनियों के साथ काम किया है। ये कंपनी नेट सर्फ की ही है। नेट सर्फ बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए, नेट सर्फ डायरेक्ट सेल करने के लिए, नेट सर्फ कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड है, नेट सर्फ रिसर्च लैब है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और हेल्थ प्रोडक्ट बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की फार्मिंग के लिए अजय बायोटेक है और इवेंट मैनेजमेंट के लिए नेट सर्फ इंटरटेनमेंट है। ये चारों चीजें एक साथ इस डायरेक्ट सेलिंग को आगे बढ़ाने के लिए अपना एक सामूहिक रूप से प्रयोग करती हैं। साथ में जब एमएलएम की डायरेक्ट सेलिंग की 2016 में गाइडलाइन बनी, उस समय मोदी जी और ये जितने भी लोग थे इन्होंने ऐसी गाइडलाइन बनाई और वो गाइडलाइन हमको तुरंत एनओसी मिल चुका है, मतलब कंपनी लीगली स्ट्रांग है।
अगर कंपनी लीगल स्ट्रांग नहीं होती, कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है कि नहीं है, ये सब चीज देखते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। आखिर प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? अगर प्रोडक्ट हमारे पास है तो प्रोडक्ट किसी भी कंपनी की बैकबोन होता है, प्रोडक्ट उस कंपनी का फ्यूल होता है। बहुत सारी कंपनी बिना प्रोडक्ट का नेटवर्क मार्केटिंग करती हैं। कभी कभी कुछ कंपनियों का प्रोडक्ट तो पैसा होता है, लेकिन यहाँ पे कंपनी का एक एक्चुअल प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट होने से फायदा क्या हो रहा है? बार बार प्रोडक्ट अच्छा होने की वजह से रिपर्चेज होता है और आपको बहुत अच्छा पैसा उस पर मिलता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी होने के साथ साथ प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, अगर मैं ये देखना चाहूं तो कंपनी तो हमने देख लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया, अब प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? तो प्रोडक्ट हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, अगर भारत कृषि प्रधान देश है, ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि भारत लगभग हमारे आसपास 70% लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, और अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रहा तो हमारा बिजनेस बहुत होना चाहिए। प्रोडक्ट मैजिकल नहीं होना चाहिए, नीड और रनिंग प्रोडक्ट होना चाहिए, साथ में इसेंशियल प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर इसेंशियल प्रोडक्ट, इस समय 90% ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इस लॉकडाउन में भी चल रहे हैं, ये साबित हो चुका है, भारत सरकार ने हमें उस चीज का नोटिफिकेशन भी दे दिया है। और कंज्यूमर प्रोडक्ट होना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट खत्म होने चाहिए, और साथ में अगर मैं बात करता हूं तो प्रोडक्ट इतने महंगे ना हो कि एक मिडिल लोअर क्लास फैमिली ना खरीद सके, अफोर्डेबल प्रोडक्ट होना चाहिए और यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आटा चावल दाल लेके आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, चाय की पत्ती बेच रहे हो, मतलब ये प्रोडक्ट में क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए। और अगर ये प्रोडक्ट है तो क्या ये प्रोडक्ट हेल्थी और डेली यूज के हैं, ये भी देखना चाहिए। क्या प्रोडक्ट केवल हवाबाजी करने के लिए नहीं है? तो हमारे पास नेटसर्फ के कैसे प्रोडक्ट हैं वो हम जरा देखते हैं। नेटसर्फ के प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, बायोफिट रेंज है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट नेचुरा मोर है, और उसके बाद पर्सनल केयर और होम केयर प्रोडक्ट है। और ये सारे प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत जबरदस्त है, पूरे यूट्यूब में इसके रिजल्ट छाए हुए हैं। और गांव में अभी भी इस समय लोग लॉकडाउन में परेशान हैं कि उनके पास प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ कंपनियां परेशान हैं कि उनके पास प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पे हमारे नेटसब के कस्टमर बिल्कुल रातों दिन फोन कर रहे हैं कि भैया एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट दीजिए, हेल्थ केयर का प्रोडक्ट दीजिए, पर्सनल केयर का प्रोडक्ट दीजिए, मतलब प्रोडक्ट में दम है तब ना। अब प्रोडक्ट बनता कहाँ है? तो सबसे पहले हमारे पास कंपनी का रिसर्च एंड लैब, रिसर्च लैब है, और नेटसर्फ का खुद का रिसर्च लैब है, और ये बहुत सारे सर्टिफाइड हलाल और FSSC 22,000 के सर्टिफाइड हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इतनी अच्छी है कि कहीं कहीं तो मैन टच भी है, पाउडर बनाने के लिए आदमियों का टच नहीं होता है, एक तरफ से रॉ मटेरियल डालो उधर से पैक माल बाहर निकल जाएगा। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हेल्थ और ब्यूटी प्रोडक्ट के हैं, और रिसर्च सेंटर में हमारे पास खुद नेटसर्फ का रिसर्च सेंटर है और इसके डॉक्टर उस पर काम करते रहते हैं। अजय बायोटेक करके एक कंपनी है जो 1990 में फॉर्म हुई थी, जब नेटसर्फ ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाने का मार्केट लाने का सोचा तो उन्होंने क्या किया, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के सारे प्रोडक्ट को उन्होंने अजय बायोटेक से बनवाने की कोशिश की और अजय बायोटेक को टेक ओवर कर लिया। अजय बायोटेक से टाई अप नहीं है, मतलब ये मालूम हो गया कि हमारे पास सारे एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर और ये सारे प्रोडक्ट खुद के ऑन एंड प्रोडक्ट है, और इनके रिसर्च एंड लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी पे 6-6 महीने, 7 साल भर, 2-2 साल, 2.5-2.5 साल रिसर्च होता है, तब कहीं जाके अभी तक हमारे पास 58 प्रोडक्ट आ चुके हैं। अगर प्रोडक्ट की बात करूं और प्रोडक्ट के स्कोप की बात करूं, क्या भविष्य में प्रोडक्ट आगे चलेंगे, तो नेटसर्फ के प्रोडक्ट का स्कोप बात करते हैं तो हर पंचायत में, भारत में कितनी पंचायतें हैं वो भी मैं बताऊंगा, हर पंचायत में लगभग 500 किसान हैं, और एवरेज अगर बात करें तो 5 एकड़ की खेती करते हैं। एक किसान कम से कम 1 एकड़ पे 2,000 रुपए का खर्चा कर देता है, और साल में कम से कम 2 बार यो यूज करता है प्रोडक्ट। अगर कुल खर्चा देखा जाए तो 1 करोड़ का है मेरे दोस्त। और सबसे बड़ी बात, भारत में 2,65,000 पंचायत हैं। कितना भी लॉकडाउन आपदा आ जाए, लोग खाना खाना तो नहीं छोड़ेंगे ना, लोग किसान पैदावार करना तो नहीं छोड़ेगी, ऐसी स्थिति में ये प्रोडक्ट बहुत इसेंशियल है। अब हमारा काम क्या है, नेटसर्फ का काम क्या है, भारत में रासायनिक खेती में 2,65,000 करोड़ विदेश में जा रहा है। जैसे अभी एक माहौल चल रहा है स्वदेशी का, तो अगर नेटसर्फ के स्वदेशी प्रोडक्ट हमारे पास आते हैं तो ये मान के चलिए कि ये नेटसर्फ स्वदेशी कंपनी होते हुए स्वदेशी प्रोडक्ट हमारे 2,65,000 करोड़ के टर्नओवर को, हम बोलते हैं भैया चाइना के मोबाइल छोड़ो, अरे पहले तो खाद छोड़ना पड़ेगा ना मेरे दोस्त, और अगर आप खाद नहीं छोड़ोगे तो कैसे काम चलेगा। ये जानकारी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो कि हमारा नेटसर्फ 100% स्वदेशी है, और हम भारत में जो रासायनिक खाद जो विदेशों में पैसा जा रहा है उसको रोकने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही काम की और बहुत ही इमोशनल चीज है दोस्त।
अगर मैं बात करता हूं कंपनियों की, तो कंपनियां बीवी और पीवी में पैसा देती हैं। ये बीवी और पीवी होता क्या है? एक्चुअली क्या होता है, वो कंपनियां जैसे ही बनती हैं अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से अपने प्रोडक्ट टाई अप कर लेती हैं, और अलग अलग प्रोडक्ट में ना अलग अलग मार्जिन होता है। और ऐसी मार्जिन होने की वजह से, अब मान के चलिए टूथपेस्ट में 20 रुपए मार्जिन है और साबुन में 40 रुपए मार्जिन है, अब हमको देना है 40% फ्लैट, तो हमको इसको एक वर्चुअल पॉइंट में, एक पॉइंट वैल्यू में या बिजनेस वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज नेट सर्फ में नहीं है। नेट सर्फ में बिजनेस इन रुपीज, रुपए में बिजनेस होता है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज क्या है, कमीशन भी रुपए में मिलता है। बहुत सारी कंपनियों को हमने देखा कि कमीशन के बदले वो प्रोडक्ट दे देते हैं। वो प्रोडक्ट कमीशन के बदले क्यों देते हैं, क्योंकि एक प्रोडक्ट बनाने में 25 रुपए का खर्चा होता है और 100 रुपए में बिकता है। अगर वो प्रोडक्ट की जगह, कमीशन की जगह प्रोडक्ट दे देते हैं, तो कंपनी को 75% का प्रॉफिट हो जाता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि यहाँ नेट सर्फ में प्रोडक्ट की जगह, कमीशन की जगह प्रोडक्ट नहीं, कमीशन की जगह कैश मिलता है मेरे दोस्त। और कैश कैसे मिलता है, ऐसा प्लान होना चाहिए कैश मिलने का कि दादी अम्मा को भी तो समझाओ ना, तो दादी अम्मा को भी पेन कागज की जरूरत ना पड़े। अगर आप कंपनी में ज्वाइन होते हो 15-30% तक का मार्जिन मिल जाता है। अगर आप किसी को डिस्ट्रीब्यूटर को रिकमेंड करते हो, और ऐसे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर को रिकमेंड करोगे, आपको 5% डायरेक्ट कमीशन मिल जाएगा। और अगर आपने जिनको रिकमेंड किया है वो अगर किसी को रिकमेंड करते हैं, तो आपको मिलता है मेरे दोस्त 3%। अब मान के समझ में आया, आपने ज्वाइन किया जिसको, जिसको रिकमेंड किया उसका 5, और जिसको रिकमेंड नहीं किया वो, उसने रिकमेंड किया टर्नओवर आया उसका 3, मतलब 8% उसका मिला जिसको आपने ज्वाइन किया, जिसको आपकी टीम ने, आपके अप्लाइंट ने ज्वाइन किया उसका 3%। और ये 3% भी इंक्रीमेंटल है, प्रोडक्ट प्रमोशन इनकम, और उसके बाद ट्रेनिंग इंसेंटिव, और उसके बाद बिजनेस डेवलपमेंट इनकम। भैया जब आप 50,000 की इनकम कर लेते हो तब आपको 1%, जब आपको ट्रेनिंग इंसेंटिव 2,00,000 की इनकम के बाद मिलने लगता है। और सबसे प्लस पॉइंट देखो दसर, अगर आप 2,00,000 रुपए की इनकम कर लेते हो, तो अभी हमारा एक पॉइंट था क्या डिस्ट्रीब्यूटर प्रोटेक्शन है क्या इसमें, तो साहब डिस्ट्रीब्यूटर प्रोटेक्शन भी है इसमें। 3,00,000 का मेडिक्लेम पॉलिसी, 5,00,000 का नेचुरल डेथ, और 2-25,00,000 का एक्सीडेंटल डेथ पॉलिसी होता है। और 15 साल तक काम किया तो पेंशन प्लान भी मिल रहा है मेरे दोस्त। ऐसी सुविधा किसी भी कंपनी में नहीं है, और इसीलिए हम बोलते हैं नेट सर्फ करना है। और आज ये बात तो साबित हो ही चुकी है। और अगर आपकी इनकम 10,00,000 रुपए हो जाती है, तो आपको 1% और मिलने लगता है। प्लान खलास, मतलब 5% डायरेक्ट, 3% टर्नओवर, एक बढ़ते बढ़ते जब 10,00,000 की इनकम हो जाएगी तो 6% टर्नओवर, मतलब आपका काम खत्म। अब अगर मान के चलो ये आगे चलते हैं अगर हम थोड़ी देर, तो इस प्लान में और भी बड़ी चीज है, ये इंक्रीमेंटल है। मतलब टीम छोटी तो 3%, थोड़ी बड़ी तो 4, फिर 5, फिर 6, ये चीज इस तरह से बढ़ती है। अब बहुत सारी कंपनियां ना इसका प्लेसमेंट का मजा लेती हैं। प्लेसमेंट में कैसे होता है, जैसे मान के चलो आप आए, आपके नीचे 2 लोगों को आपने प्लेसमेंट किया, एक इंदौर का था और एक भोपाल का था। आपके पास तीसरा आएगा तो आप इसको आउटर में लगाओगे, चौथा आएगा आप यहां लगाओगे, फिर पांचवा आप यहां और छठवां यहां। लेकिन यहां पे सबसे प्लस पॉइंट क्या हुआ, आप जरा देखो, ये हो गया नॉर्मल बाइनरी प्लान। मतलब आप जब किसी को लेफ्ट राइट में लगाओगे तो ये आउटर आउटर में जाएगा। लेकिन हमारे पास एक और सिस्टम है जो दूसरी कंपनी में नहीं है, आप डिस्ट्रीब्यूटर को कहीं भी प्लेस कर सकते हो। और आप जैसे इसने प्लेस किया, आप अपना स्पॉन्सर बन के कहीं भी प्लेस करके आप बिजनेस कर सकते हो। और इसको बोलते हैं वॉलेंट्री स्पिल ओवर प्लान। दुनिया में किसी कंपनी के पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि बाइनरी प्लान में आप स्पिल ओवर कर सको। और सबसे प्लस पॉइंट क्या हुआ, दूसरा सबसे बड़ी चीज क्या हुई, आपके नीचे मान लीजिए लोग ज्वाइन हुए, तो आपका कमीशन कैलकुलेट कैसे होगा। बहुत सारी कंपनियां हेड पे कमीशन देती हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर मान के चलिए आपके 12,000 रुपए के नीचे के 4 ID लगी, सुजीत तिवारी 12,000, अशोक प्रजापत 12,000, मनोज सिंह 12,000 और मंजू मानीपुरी 12,000, इधर वैभव सर 9,000 और बसंत सर 9,000। अब मान के चलो अवनीश मिश्रा का कमीशन कैसे बनेगा, तो 12,000, 18,000 और 48,000, ये दो हुआ। अब ये जो खुद की खरीदी का 12,000 है ना, ये आके बंदे का वीकर में जुड़ जाएगा, और वीकर में जुड़ के 30,000 का आपका 6% 3600 रुपए का कमीशन बन जाएगा। 18,000 का क्या होगा, ये 18,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा मेरे दोस्त। अब ये 18,000 बाद में मिलेगा जब वैभव वाली लाइन में होगा काम,
तो आगे ये भी कमीशन मिल जाएगा, ये कभी लेफ्ट नहीं होगा। बात करते हैं बाकी लोगों की, वैभव छाबड़ा, उनका 9,000 है, दूसरी लेग उनकी खुली नहीं है, लेकिन उनकी एक लेग में 9,000 रुपया का बिजनेस बसंत जी ने लगाया है, तो पर्सनल खरीदी और डाउनलाइन की खरीदी का आपको इसे पैसा मिल जाएगा। सुजीत तिवारी जी का क्या होगा? सुजीत तिवारी का 24,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और 12,000 का, चूंकि सुजीत तिवारी 5% के लेवल में है, 1200 का कमीशन मिलेगा। वहीं पे अशोक प्रजापत जी की बात करता हूं तो 12,000 और 12,000 4% के लेवल में उनको 4% मिलेगा, 960 रुपए उनका कमीशन बन गया। अभी देखो जैसे, और 12,000 कैरी फॉरवर्ड हो गया। अभी बात करते हैं मनोज सिंह का, 12,000 खुद का, 12,000 मंजू मानिकपुरी जी का, 3% 720 रुपया इनका कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं होगा, और मंजू मैडम का कैरी फॉरवर्ड 12,000 हुआ। ये ऐसा सिस्टम मार्केट में किसी का नहीं है जो टर्नओवर में सेल्फ खरीदी वीकर में जोड़ रहा हो, ये सबसे बड़ी चीज है। आगे देखते हैं कुछ नॉर्मल में, इसको टर्नओवर बेस्ड सिस्टम बोलते हैं। दोस्तों अभी जितने भी लोग हवा में हैं उनको वापस ले आइए, ऐसा सिस्टम मार्केट में नहीं है मेरे दोस्त। और नॉर्मल जनरेशन प्लान में आपको मैं दिखाता हूं होता क्या है। आप हो 21% में, आपके नीचे एक बहुत अच्छा लीडर है, मान लीजिए वैभव सर है, वो भी 6% में है, ऐसे ही वो अगर जनरेशन प्लान में होते तो 21% में होते। वैभव सर के नीचे बसंत सर 17% में है, और उसके बाद 17, 14, 11 कोई 8% में होगा। अब ये मैं कंपेयर कर रहा हूं आपको दूसरी कंपनियों के जनरेशन प्लान को। अभी मान के चलो एक बंदा मैंने लगाया, वो भी 17% पहुंच गया, दूसरा 14% में, और तीसरा 11% में पहुंच गया, और एक बंदा लगाया जो 8% में पहुंच गया। अब इनका बिजनेस जो 8% है, वो भी नई नई टीम है, उसने छोटा सा बिजनेस लगाया, मतलब उसने कितना लगाया, लगभग उनकी टीम से टर्नओवर आया 10,000 रुपए का। अगर 10,000 का उनका टर्नओवर आया, क्योंकि आप 21% में हो, ये 8% में है, आपको डिफरेंस कमीशन 13% मिलेगा, और यहाँ पे 50,000 का 11% वाला है और उसका डिफरेंस कमीशन 10% मिलेगा, 14% है, 1,00,000 मिलेगा, 7% आपका हुआ, क्योंकि आप 21 में हो और वो 14 में है, तो डिफरेंस 7 हुआ, आपको 7,000 रुपए मिलेगा। और यहाँ पे 17% वाले का डिफरेंस कमीशन कितना मिलेगा, 3%, और 21 वाले की टीम बड़ी है, 10,00,000 रुपए, यहाँ पे आपको भैया 0 मिलेगा, मतलब यहाँ पे आपका कुछ भी पैसा नहीं बनेगा। और सबसे प्लस पॉइंट क्या हुआ, ये रुपया नहीं है भाई, ये बीवीपीवी है। अगर इनकी बात करता हूं तो 10,000 का मतलब कितना हुआ, 20,000, 50,000 का मतलब 1,00,000, 1,00,000 का मतलब 2,00,000, 5,00,000 का मतलब 10,00,000, और 10,00,000 का मतलब 20,00,000। भैया 20,00,000 का बिजनेस भी आपके डाउनलाइन में हुआ और सेम डिफरेंस हुआ, तो आपको इसका पैसा नहीं मिलने वाला है। लेकिन क्या ऐसा नेटवर्क में होता है, नहीं होता। आगे देखते हैं और क्या क्या लोचा होता है दूसरी कंपनियों में। सबसे पहले इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंस लॉक या 100% सिमुलेशन। सिमुलेशन मतलब बिजनेस पूरा सिमुलेट हो गया। अगर 21% वाला भी, 17% वाला भी 21% में एक ना एक दिन पहुंचेगा, तब वहां से भी जीरो हो जाओगे। 14% वाला भी एक ना एक दिन 21% में पहुंचेगा, वहां से भी जीरो हो जाएंगे। 11% भी एक ना एक दिन 21% पहुंचेगा, वहां से भी जीरो हो जाओगे। और इस तरह से आपको हर साल हर समय जैसा लीडर बड़ा होता जाएगा, नए नए लीडर खोजने पड़ेंगे, और इसके चक्कर में कंपनियां माया जाल बुनती हैं, बहुत सारे गाजर लटकाती हैं, जैसे कार फंड, होम फंड, परफॉर्मेंस बोनस, ट्रेवल बोनस आदि और अनादि, ऐसे ऐसे जो हम भी नाम नहीं जानते। और इनके बाद लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग और मीटिंग सेमिनार के नाम पे भी कमाई करते हैं टिकट के नाम पे। और तो और अगर मैं बात करूं तो पैसे जो मिलते हैं उसमें एडमिन शुल्क, मैनेजमेंट शुल्क जैसे 10-25% की कटौती कर देती हैं कंपनियां, तो सावधान हो जाइए मेरे दोस्त। और आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उन लोगों को जरूर, जो आपको प्लान देने वाले हैं, उनको जरूर बताइए कि क्या आपके सिस्टम में ऐसा कुछ है। और तो और जितना चेक बना कट पिट के, उसमें भी वो तब मिलेगा जब 10% की रिपर्चेजिंग होगी। ऐसा सिस्टम अगर मार्केट में आया ना, तो ये लीडर के लिए नहीं, ये कंपनियों के लिए होता है। हाँ, इसमें पैसा कमाते हैं, इसमें अनलिमिटेड इनकम है, लेकिन इसमें बहुत कम लोग पैसा कमाते हैं। वहीं पे नेटसर्फ में बात करता हूँ, इनकम नेटसर्फ में आपके पास नीचे कोई 6% में है, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3। अब मान के चलो आपने इसको ज्वाइन किया, सबसे नीचे वाला अच्छा पोजीशन में है, 2,19,000 आया जनरेशन 5 वाला, जनरेशन 4 वाला 4,19 में गया, जनरेशन 3, जनरेशन 4। आपको जो ये प्लान देगा वो बहुत डिटेल में बताएगा, मैं कहां केवल कंपेयर कर रहा हूं उनके जनरेशन में और अपने जनरेशन में। और आपने दूसरी साइड में 34,00,000 का बिजनेस लगा दिया। अब 34,00,000 का आपका मैचिंग हुआ 6%, 6% मतलब 12%,
तो आपका कमीशन बन गया 409,625 रुपया। और उसके बाद आपका जनरेशन वन में 16 लाख कमाने वाला बंदा है उसका 15%, जनरेशन टू में 8 लाख रुपया कमाने वाला है उसका 10%, जनरेशन थ्री में 10% 61,000, जनरेशन फाइव में 20,000, और जनरेशन फाइव में एक एक बंदे का अगर परसेंटेज निकाल लिया जाए तो ये टोटल होता है 4,18,000। अब जनरेशन वन और जनरेशन इनकम और टर्नओवर इनकम मिला दिया जाए तो 8,28,000 रुपए मिल रहा है मेरे दोस्त, 24.1% मिल रहा है। और तो और सबसे प्लस पॉइंट क्या है, ऐसा बिजनेस देने वाला, ये तो साबित हो गया ना कि ऐसा बिजनेस देने वाली एकमात्र कंपनी नेटसर्फ है जो आपके 34 लाख में भी आपको 8,19,250 15 दिन का देगी, मतलब महीने का 16,38,000। तो कम मेहनत पे ज्यादा पैसा अगर लेना है तो नेटसर्फ ज्वाइन कर लो। आज अगर अभी भी कहीं अलग जगह पे हैं तो आज आप नेटसर्फ ज्वाइन कर लीजिए मेरे दोस्त, अगर ये बड़े ध्यान से देखिए। आगे हम बात करते हैं कुछ और चीजों पे। कुछ लोग बोलते हैं नेटसर्फ में कैसे काम होगा, अब मान लो आपके नीचे कोई 6% में है और सारे के सारे बंदे 6% में है, फिर भी क्या डिफरेंस लॉक लगेगा? नहीं लगेगा। आपका कैरी फॉरवर्ड मान को एक तरफ 50 करोड़ रुपया है और दूसरी तरफ आपका 35 लाख का बिजनेस होता है तो ये बिजनेस लैप्स नहीं होता मेरे दोस्त, ये नो बिजनेस लैप्स का बिजनेस है। इसका मैं प्रूफ भी देता हूं, कोई डिफरेंस लॉक नहीं होता है, मतलब आपके डाउनलाइन का और आपका कितना भी वो कमा ले कितना भी आगे बढ़े, अगर कैरी फॉरवर्ड बढ़ता है तो 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल। यहाँ पे मैं कुछ लोगों के स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, यहाँ मिस्टर संतोष जी हैं, 210 करोड़ का कैरी फॉरवर्ड पड़ा हुआ है, यहाँ पे इनका ये कैरी फॉरवर्ड लैप्स नहीं हुआ है। यहाँ 223 करोड़ का भी कैरी फॉरवर्ड पड़ा हुआ है, ये कैरी फॉरवर्ड के बाद और भी लोग हैं जिनका कैरी फॉरवर्ड अभी तक लैप्स नहीं हो रहा है, जब तक कि उसका पैसा उनको नहीं मिल जाता है। ऐसा सिस्टम कहीं भी नहीं है। कुल मिला के देखा जाए तो प्रोडक्ट यूज करने की इनकम, रिटेल इनकम, डायरेक्ट सेल इनकम, रीपर्चेज इनकम, जनरेशन इनकम, ग्रुप टर्नओवर मैचिंग इनकम, इसलिए मैं बोलता हूँ वो केवल नेटसर्फ ही करिए। वाई नेटसर्फ? और जैसा ही नेटसर्फ में पैसा आता है ना उसको बहुत सिस्टमेटिक ढंग से नेटसर्फ स्पेंड करता है, 50% कमीशन में, 25% प्रोडक्ट में और बाकी जगहों में वो क्लब नेटसर्फ एड फंड प्रॉफिट इन सब में देता है। और आप तो और तैयार हो जाओ क्योंकि सारे टीवी चैनलों में धीरे धीरे विज्ञापन छापे जा रहे हैं, मतलब अगर आपने नहीं किया तो कोई और कर लेगा। और साथ में साथ इन सब अभी इंडिया टीवी में भी बहुत सारे विज्ञापन आ रहे हैं। ट्रेनिंग सिस्टम की बात करते हैं, जबरदस्त ट्रेनिंग सिस्टम है, 20,000 पे 3 घंटे की ट्रेनिंग, 40,000 पे फुल डे की ट्रेनिंग, 60,000 पे वन नाइट टू डे की ट्रेनिंग, और अब तो जूम में हो रही है। और अगर जूम में हो रही है तो अभी तो कंपनी ने लॉकडाउन में जो ट्रेनिंग में होटल में खर्चा हो रहा था वो उसको गिफ्ट के रूप में दे रही है। ऐसे ही ईमानदार कंपनी मार्केट में नहीं मिलेगा, दूसरी कंपनी होती तो वो बचा लेती पैसा। और अगर बात करता हूं पे आउट सिस्टम की, पे आउट सिस्टम इतना जबरदस्त सिस्टम है कि आपको ये पैसा मिलने वाला है, लेकिन अभी बूस्टर प्लान जो चल रहा है, बूस्टर प्लान मतलब अगर आप 3-4% में जाते हो तो 50,000 की इनकम करनी पड़ती है, मतलब 8.5-8.5 आईडी लगाएंगे, 6,000 की 150 और 150 आईडी लगाएंगे और टाइम लगेगा 6-8 महीने। कंपनी ने देखा और कंपनी ने इस पर एक और जबरदस्त प्लान बनाया जिसको बोलते हैं राइजिंग स्टार। राइजिंग स्टार अगर आपने इसमें कर लिया, 10 आईडी लगा ली, लेकिन अभी लॉकडाउन में इस मई के महीने में 5 आईडी पे ही कंपनी 3-4% में आपको पहुंचा देती है। अगर ये सारी बात करता हूं तो एक छोटा सा आपको प्लान का एस्टीमेट दिखाता हूं। आपने 3500 की आईडी लगाई, आपको 5,000 रुपए का प्रोडक्ट मिला, अब आपको राइजिंग स्टार बनना है, मतलब 3-4% में प्रमोट होना है, 6-8 महीने बचाने हैं तो आपको कम से कम 5 आईडी लगानी पड़ेगी। आपको 1500 का प्रॉफिट पहले मिल चुका है, जैसे ही 5 आईडी लगाएंगे पांचों को 1500 का प्रोडक्ट मिल जाएगा और साथ में 1400 रुपए का आपका चेक बन जाएगा। इसी ढंग से अगर अगले महीने 5 को भी आपने राइजिंग स्टार बनाया तो ये श्रृंखला धीरे धीरे ऐसे बढ़ेगी और आपका चेक बनेगा भाई मेरे 4% के हिसाब से 3500 रुपया। 3500 का प्लान, 1500 का प्रॉफिट प्रोडक्ट और साथ में आपको 3500 का प्रोडक्ट भी मिल गया। ये 25 लोग भी अगर राइजिंग स्टार होते हैं तो 125 मतलब
1500 का इनको प्रोडक्ट मिल गया, 25 लोगों को 1400 रुपए का माल मिल गया और 5 को 3500 और आपको मिल गया 17500। जबरदस्त प्लान, 3500 का प्लान और 5000 का प्रोडक्ट, ऐसा तो कुछ हो ही सकता है। 625 लोगों को ज्वाइन कराते हैं, 125 लोगों को 1400 का चेक, 25 लोगों को 3500 और 5 लोगों को मिलेगा 17500 और आपको मिलेगा 87500। ये राइजिंग स्टार हुए, ये सबको अपना अपना पैसा मिला और आपको पांचवे महीने मिला है 5 लाख रुपए मेरे दोस्त। अगर ये 3500 का प्लान है, बार बार रिपर्चेजिंग नहीं करना, बीवी बीवी नहीं है, कोई लैप्सेशन नहीं है, अगर ऐसा सिस्टम आपके सामने है तो इन लॉकडाउन में 5 महीने में सितंबर तक 5 लाख रुपया। लेकिन अगर आपने 5 लाख रुपया नहीं भी कमाया तो जैसा हमारे सर बोलते हैं 50% भी काम हुआ तो 2.5 लाख, अगर 10% भी काम हुआ तो घर बैठे 50,000। कुछ नहीं करना आपको, लोगों को जूम पे लाना है और ये वीडियो शेयर कर देना है। ये फास्टैग सिस्टम भी नेटसर्फ में एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसमें आने वाले समय में 3 साल में आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है और ये 100% फुल प्रूफ प्लान है। मतलब आप 1000 दिन में फास्टैग कोर्स करके, 6-6 महीने का कोर्स करके 1 करोड़ रुपया कमा सकते हैं और आप कैप पे पहुंच सकते हैं। ये दूसरी कंपनियों में ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं है, हर 6 महीने में एक विदेश यात्रा है और 2 ट्रेनिंग देके कंपनी आपको इस ढंग से मजेदार तरीके से काम करेगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और आप कब पहुंच जाओगे, ये ट्रेन का इंजन नेटसर्फ रहता है, लीडर बैक में रहता है, बीच के डिब्बे में आपको बैठना है, आपको पहले केवल एग्जीक्यूशन टीम में मेहनत करनी है। ऐसा एजुकेशन सिस्टम किसी के पास नहीं है, आपको सिस्टम फॉलो करना है और सिस्टम फॉलो करने के बाद क्या ये सब चीज संभव है, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? ये अगर हो नहीं सकता तो कंपनी ने ऐसा सिस्टम पूरा बनाया है, 360 डिग्री ऑनलाइन इकोसिस्टम, जिसके अंतर्गत आपको ये सारे सपोर्ट मिलते हैं। ऐसा इकोसिस्टम नेटसर्फ तो क्या मतलब इंडिया में क्या विश्व में दूसरी कंपनियों के पास नहीं है, 2014 में ही बना दिया था ये चीज और आज 20 साल हो चुके हैं, भारत के हर राज्य में लगभग ये पहुंच चुका है, केवल जम्मू कश्मीर और केरल छोड़ के जल्दी वहां भी पहुंचने वाले हैं क्योंकि 370 अभी खत्म हुआ है। अगर मैं बात करूं तो अभी तक 81 करोड़पति लोग 1 करोड़ से 34 करोड़ रुपए तक कमा चुके हैं और ये संभव हो गया है। नॉमिनी फैसिलिटी भी आपके साथ रहती है प्रोटेक्शन प्लान की तरह। रफीक शेख जी हैं जो मृत्यु के बाद भी आज 13 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, मरने के बाद मतलब जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ये पूरा सिस्टम। धीरेन्द्र त्रिवेदी जी हैं, ये जो 13 USP हमने आपको बताई है, ये 13 USP नेटसर्फ तो आप पूरी तरीके से देख लेना, ये पूरा इस वीडियो में मैंने वेरीफाइड किया है और इस पर हमें सर का भी सहयोग चाहिए कि वो बताएंगे कि क्या ये सब चीज सही है। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, लीगल बेस ऑन प्रोडक्ट, ये सारी चीजें हैं। और साथ में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये सारी चीजें होने के साथ इस कोरोना काल में केवल नेटसर्फ ही सरवाइव कर रहा है और इस नेटसर्फ के कोरोना काल में हमारे इतने सारे लोग जो हैं वो अपना यूज कर चुके हैं और कैप अचीव कर चुके हैं। 23,000 न्यू ज्वाइनिंग हुई है अप्रैल के महीने में, 57,000 गेस्ट कवर हुए हैं, 18,000 लोगों को पे आउट मिला है इस अप्रैल में, 225 लोगों को ट्रेनिंग हुई है, 14 कैप अचीवर हैं, 6 नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं और 75 मिशन कैप हुए हैं। ये सारी चीज फाइनेंशियली सिक्योरिटी लेके आती है और मैं ये जानना बताना चाह रहा हूं कि ये सारी चीज में ये जितनी भी कंपनियां आप देख रहे हो, ये कंपनियां करती क्या है, ये ही सारा बीवी पीवी में सब खत्म करके रखी है। हमारा जो नेटसर्फ है वो 100% स्वदेशी है और 100% स्वदेशी होने के साथ साथ ये नेटसर्फ हमारे दिलों की धड़कन को कर रहा है।